उनको पोस्ट कोविड रेजनल फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद उनकी जिंदगी कैसी होती है और वो किस तरह से उनको किस तरह का जीवन जीना चाहिए और हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कब तक हम बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ करेंगे हमारे लंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बाकी हम नॉर्मल लाइफ में जो बिफोर कोविड था वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट कोविड होने के बाद लंग्स में फाइब्रोसिस होने के बाद हम कब तक पूरी तरह से रिकवर करें और उस वक्त किन किन चीजों का ध्यान दें उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। और दूसरा सीओपीडी और अस्थमा के बारे में हम कुछ पिक्यूलर चीजें जो आप लोगों के मन में कुछ जो पेशेंट्स हैं जो जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज लाइक सीओपीडी और अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो किस तरह से इस कोविड टाइम में अपने आप को देखें, किस क्या चीजों का ध्यान रखें और किस तरह से अपने आप को बचा के रखें, उन पे हम बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट इसको, और सबसे पहले हम ब्रीफ अबाउट सीओपीडी और ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बात करते हैं। राजाराम जी, आप स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं। सीओपीडी वाली स्लाइड्स पहले हम ले लेंगे, उसको फटाफट ब्रीफ कंप्लीट करेंगे जिससे लोगों को उसके बारे में क्लियर हो। यस सर। या प्लीज, अगर लोग वीडियो पे आ सकते हैं तो और भी मेरे लिए इंटरैक्टिव रहेगा। सर आपका वीडियो क्लियर है, मतलब योर वीडियो इज देयर इन पैनल स्पॉटलाइट में, आपका वीडियो हमको दिख रहा है इधर ओके बिल्कुल। आई यस सर। सो ओके। मैं हाँ, पहले सीओपीडी से स्टार्ट कर देता हूँ सर। पहले सीओपीडी से स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा उसको। यस सर। स्लाइड विजिबल है सर? राइट यस, इट इज विजिबल। सर। एक सीओपीडी इज अ डिजीज, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो श्वास नली है उसमें सूजन आती है और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। अस्थमा से ये अलग है। अस्थमा में जो सूजन आती है वो दवाइयों से ठीक की जा सकती है पूरी तरह से, जो है वक्त के साथ सवाल जगजीत जी आप अगर कर लें। थैंक यू जगजीत जी। हाँ, तो जो सीओपीडी है वो प्रोग्रेसिव डिजीज है और उसमें सूजन एक बार जो बन गई वो परमानेंट है और समय के साथ ये धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे हम बात करें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की, उसी तरह से सीओपीडी भी बहुत कॉमन है। अराउंड 30 लाख लोग प्रतिवर्ष इससे इनसे सीओपीडी की एग्जेसरेशन यानी कि सीओपीडी के जो अचानक से एकदम से सीओपीडी के जो सिम्टम बढ़ते हैं उसको हम एग्जेसरेशन कहते हैं, और उसको दूसरी नॉर्मल भाषा में हम इसको लंग अटैक भी बोल सकते हैं। उससे 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है एक साल में, तो ये तीसरा सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है। और सीओपीडी में हम भारतीय नंबर वन पे हैं और भारत में लगभग 3 करोड़ लोग सीओपीडी से पीड़ित हैं। और अकेले भारत में अगर हम मृत्यु देखें तो पर लैख अगर हम देखें तो 213 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं सीओपीडी से। तो ये बहुत कॉमन और कॉमन डिजीज है और बहुत ज्यादा इसका मृत्यु दर है। तो हम लोगों को सीओपीडी पे भी फोकस करना है। कोविड के एरा में सीओपीडी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सीओपीडी पेशेंट में कोविड का जो वायरस है वो जल्दी से ऐसे लोगों का लंग्स जल्दी से इन्फेक्ट होता है, और ना केवल इन्फेक्ट होता है बल्कि ऐसे पेशेंट को पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस भी ज्यादा होता है, उनका रिकवरी भी स्लो होता है। और सीओपीडी पेशेंट में अगर कोविड होता है तो उनमें चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। पहला चैलेंजेस तो ये है कि जो सीओपीडी जो हम कोविड की डिजीज को हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज और सीवियर डिजीज, तो सीओपीडी वाले पेशेंट सीवियर डिजीज में लैंड करते हैं। तो और जो मृत्यु दर ऑलरेडी इतनी हाई है सीओपीडी पेशेंट में, और सीओपीडी के एक्यूट एग्जर्बेशन यानी लंग अटैक का मेन कारण वायरस इंफेक्शन है। कोविड से पहले भी यही कारण था, वायरल इंफेक्शन, जो सिंपल इंफ्लुएंजा इंफेक्शन और दूसरे जो वायरस इंफेक्शन आते हैं या बैक्टीरिया इंफेक्शन वो सीओपीडी के अंदर लंग अटैक करने के कारण है और मृत्यु का कारण भी वही होते हैं। लेकिन जब से कोविड आया है ऐसे पेशेंट अगर आपने देखे कि ऑलरेडी कोविड जो है वो ओल्ड
पर्सन को, ओल्ड लोगों को ज्यादा हो रहा है, और ओल्ड लोगों को सीओपीडी ऑलरेडी इतना ज्यादा है, तो जो मृत्यु का जो कारण है उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कोविड पेशेंट के अंदर मृत्यु का सबसे बड़ा फैक्टर है सीओपीडी, जो आज काफी जो ओल्ड पर्सन जो सीवियर जिनको वेंटिलेशन की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, वो सीओपीडी पेशेंट हैं काफी मात्रा में। नेक्स्ट, राइट, और इसमें मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, लंबे समय तक इसकी थोड़ी सी मैं प्रमुख लक्षण बता देता हूँ। लंबे समय तक खांसी रहना, बलगम पीला हरा आना, सांस लेने में एक्सरसाइज करते वक्त सांस फूलना, और धीरे धीरे ये सांस फूलने का जो सिवियरिटी है वो बढ़ जाना, छाती में जकड़न, है ना, कई बार इतनी ऑक्सीजन कम हो जाती है कि वो नीलापन, नाखूनों का या होठों का नीलापन भी हो जाना, ऊर्जा की कमी, इवन लोग अपने घर से निकलते हुए भी डरते हैं सीओपीडी पेशेंट, राइट। तो ये सारे प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये श्वास नलियों के बारे में बता रखा है। राजा राम जी थोड़ा एक पीछे ले लें, हाँ, दो तरह का सीओपीडी होता है जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। इसमें आप नेक्स्ट ले, इसका नेक्स्ट वाला स्लाइड ले लीजिए। हाँ, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, हेल्दी जो ये श्वास नली है, और इस श्वास नली में, हेल्दी श्वास नली में आप देखेंगे जो ये पीले कलर का है, ये पूरा खुला हुआ उसका एयरवे है, लेकिन इसके पास वाला, बगल वाला जहां पर हमने लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन एंड एक्सेस म्यूकस, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्पेस है अंदर का वो काफी कम हो गया, यानी कि जो इसकी जो वॉल है ब्रोंकस की, यानी कि जो श्वास नली की जो वॉल है वो थिक हो गई है, मोटी हो गई है, तो बीच की जगह कम हो गई है, और साथ ही जैसा मैंने बोला कि श्वास नली में कफ का जमा होता है तो और उसके स्पेस को वो ऑक्लूड कर देता है, यानी कि और उस जगह को घेर लेता है, तो हवा का जाना, श्वास का जाना और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट सांस एक बार ले तो ले, लेकिन बल्कि और निकालना उनके लिए मुश्किल होता है, कि हमारा जो एक्सपिरेशन है, यानी कि सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो पैसिव है, उसमें जैसे ही सांस छोड़ता है पेशेंट और ये नली कोलैप्स हो जाती है, ये बंद हो जाती है, तो सांस जो निकाल नहीं पाने की वजह से फेफड़ों के अंदर हवा और ट्रैप हो जाती है, तो उस वजह से पेशेंट और को और नई सांस आना उसके लिए मुश्किल होता है, और उसको उसका वर्कलोड भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ये सारे कारण हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, सिगरेट स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज, और हमारे देश में महिलाओं को भी सीओपीडी होता है, जो स्मोकिंग नहीं करती है उनको भी सीओपीडी होता है, क्योंकि हमारे गांव में हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, उसमें महिलाएं जो है बायोफ्यूल का इस्तेमाल करती हैं। आज पीएम मोदी ने उस पे उसको फोकस करते हुए आज जो ऊर्जा योजना जो उन्होंने चला रखी है उसके थ्रू हम इसको कम करने में कामयाब हुए हैं, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो बायोफ्यूल्स की वजह से सीओपीडी होता है उनमें, और बहुत सारे कारण आपके सामने ये जो दिख रहे हैं, पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन, चाहे वो वाहनों से हुआ हो, चाहे फैक्ट्रियों से हुआ हो, या इवन फंगस आपको दिख रही है कमरे में, इन्होंने फंगस भी दिखा रखा है, तो ये सब कारण सीओपीडी के कारक हैं। नेक्स्ट, इसमें मैं इस पे थोड़ा फोकस करना चाहूंगा कि जैसे हम आंख का इंफेक्शन होता है तो आंख में आई ड्रॉप डालते हैं, स्किन का इंफेक्शन है तो हम ट्यूब लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ श्वास नलियों का सूजन है तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ दवा जानी चाहिए, यानी कि लोकल एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसमें सीओपीडी के अंदर हम इनहेलर्स को प्रेफर करते हैं, इनहेलर्स हो गए या रोटा कैप्स, आजकल सारे लोग जानते हैं कि रोटा कैप्स यानी कैप्सूल, खींचने वाले कैप्सूल, इवन बहुत लोग जो इवन ये भी नहीं खींच पाते तो उनके लिए नेबुलाइजर रेस्प्यूल्स की भी रेस्प्यूल्स भी हम यूज करते हैं, तो ये ज्यादा सेफ दवा है, राधर के पहले जमाने में, आजकल काफी लोग सजग हो गए हैं, पहले जमाने में लोग टैबलेट्स खाते थे, कोई सांस की कोई प्रॉब्लम होती थी डेरिफाइलिन टैबलेट खा लेते थे, सालबुटामोल की टैबलेट खा लेते थे या स्टीरॉइड खा लेते थे, पर अभी
सब लोग सजग हो गए हैं, उनको सबको समझ में आ गया है। एक जो कुछ कंपनियों ने, खास करके जो पायनियर है इस एरिया में, उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के लोगों के एजुकेशन में बहुत काम किया है और अब काफी लोग समझने लगे हैं। और उस इस कारण से अब लोग इनहेलर्स की जो इम्पोर्टेंस है कि ये कम मात्रा में दवा, इनमें माइक्रोग्राम में डोज होती है, सीधा लंग्स में पहुंचती है, इसका साइड इफेक्ट मिनिमम होता है, इसको लेने के बाद कुल्ला अगर कर ले तो वो साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो ये और जो नॉर्मल टैबलेट है वो मिलीग्राम में, यानी कि ये 1000 गुना कम दवा है, डायरेक्ट अपनी जगह पर पहुंचती है, लोकल एप्लीकेशन है। तो ये इम्पोर्ट इनहेलर ओरल टैबलेट से काफी ज्यादा सुरक्षित और इफेक्टिव है। नेक्स्ट, इस बारे में सब लोग जानते हैं कि हमको संतुलित भोजन, रेगुलर अपना वजन पे नजर रखें, अपने वजन को बढ़ने ना दें, और अपने स्ट्रेस से भी बचाव करें, और साथ ही साथ अपनी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, यानी कि जिनको ऑलरेडी सीओपीडी है उन लोगों को हम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, यानी कि एक खास तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो उनको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए अपने अपने लंग्स की कैपेसिटी को बना के रखने में। तो हम उनके लिए, हम स्पेशली उन लोगों को इसके बारे में हम बताते हैं और उनको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, या मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये बेसिकली ब्रोंकियल अस्थमा में काम आता है। एक्चुअली सीओपीडी में भी सांस चलता है, ब्रोंकियल अस्थमा में भी सांस चलता है, लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा रिवर्सिबल डिजीज है और उसको हम चेक कर सकते हैं कि कितना करेक्शन आया। जस्ट, और ये एक मीटर दिखा रखा है, जिस तरह से थर्मामीटर होता है, जिस तरह से बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी तरीके से ये ब्रीदोमीटर, इसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू आप अपने लंग्स की जो श्वास नलियों की सूजन को चेक कर सकते हो रोज। और इसमें मुश्किल से 10 सेकेंड लगते हैं, आप मुंह में लेकर के जोर से ब्लो करेंगे तो इस पे ये जो मीटर दिखा रखा है 60 से लेके 800 तक, आप अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक झटके से फूंक मारने पर हमको पता चलता है कि श्वास नलियां कितनी खुली हुई है। सपोज कोई पेशेंट जब फर्स्ट टाइम आता है हमारे पास, तब हम उसको ये टेस्ट करने के लिए देते हैं, अगर उसका 100 के आसपास का ये मीटर जा रहा है, इसमें पॉइंटर होता है जो ये उंगली के नीचे रेड कलर का एक पॉइंटर होता है, वो इसमें फूंक मारने से आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि जब पेशेंट हमारे पास आया तब उसका पॉइंटर 100 पे था, और दवा लेने के बाद 15 दिन बाद हम उसको ये घर के लिए देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप सवेरे और शाम अपना इसको चेक करें, तो खुद वो अप्रिशिएट कर सकता है, खुद वो देख सकता है कि ये धीरे धीरे आप 100 से वो 200, और कई पेशेंट तो 15 दिन में ही 300 350 पार कर लेते हैं। हर एक पेशेंट का जो ये मीटर है, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, और मेल और फीमेल, हर एक का फिक्स वैल्यू होती है, जो आइडियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं 5.5 फीट के मेल का और 60 किलो वजन के आदमी का अगर मैं देखूं, तो 500 से 550 के बीच में ये आता है रीडिंग। और अगर बाय चांस उसका रीडिंग जब हमारे पास आता है तो 100 के आसपास अगर आ रहा है, तो उसका टारगेट टू अचीव 550, तो वो रेगुलरली दवा के साथ अपने को इसको जांच सकता है। और कभी बाय चांस मान लीजिए कि कभी एकदम से मान लीजिए कि 350 आ रहा था और दवाई उसने छोड़ दी, और या फिर दवाई लेते लेते भी अचानक से 350 से 250 पे आ गया, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई ना कोई कारण है जिसको एड्रेस करना जरूरी है, जिसमें से इंफेक्शन हो सकता है, या डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, या एलर्जन एक्सपोजर बढ़ गया है, कुछ भी कारण है, बट उसको डील करना जरूरी है। और उस वक्त डोज की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली हमको रिकरेक्ट करनी पड़ती है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। नेक्स्ट, जैसा ये मैंने बताया, ये बहुत 450 या 500 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है, और ये फेफड़ों की क्षमता बताती है, और अपना खुद अपना आप चार्ट बना सकते हैं और खुद नजर रख सकते हैं कि मेरे फेफड़ों की क्षमता क्या है, और अपने डॉक्टर को वो चार्ट दिखाएंगे तो डॉक्टर को भी हेल्प मिलेगी कि नेक्स्ट हम क्या करें। ये वो सारा का सारा बताया हुआ है। नेक्स्ट, इसमें ये तरीका बताया है कि किस तरह से मुंह में लेके झटके से मारेंगे और उसको नोट करें। सबसे पहले मार्कर को जीरो पे लेके आए, फिर गहरा सांस लें और झटके से फूंक मारें, और उसकी रीडिंग जितनी है उसको नोट करें, और सवेरे और शाम करेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड लगता है। ये लेकर के अपने डॉक्टर के पास अगर चार्ट लेके जाते हैं, उसको उसको आपको
ट्रीट करने के लिए काफी मदद मिलती है। आप इस तरह से डॉक्टर को हेल्प कर रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करे। नेक्स्ट, राइट, ये मार्केट में हर मेडिकल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, या अभी हम थोड़ा कोविड के ऊपर 5 मिनट थोड़ा सा हम बात कर लेंगे और फिर मैं आपके क्वेश्चन और आंसर्स क्वेश्चन लूंगा और उसमें मैं जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपको आंसर दूंगा। हमको ये पता है, नेक्स्ट स्लाइड, हमको ये पता है कि सार्स कोविड वायरस 2 नामक जो वायरस है उसने ये कोहराम मचा रखा है। ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं एनिमल से आया है, खास करके चाइना से। चाइना का जो वुहान जो स्टेट है वहां से ये दिसंबर 2019 में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वहां आइडेंटिफाई हुआ और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट, और इसको WHO ने इसको पेंडेमिक जो है मार्च में घोषित किया है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मार्च 11th 2020 डेट थी जिसपे उन्होंने इसको पेंडेमिक घोषित, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। और ये पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है। नेक्स्ट, हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें आते हैं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, जस्ट एक समराइज कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है, इसलिए इसमें आज भी चाहे कितना भी वैक्सीन डेवलप हो गया है, चाहे कितना भी हम लोग का इम्यूनिटी है या कुछ भी है, बट अभी भी 2 गज दूरी है जरूरी। क्या ये एटलीस्ट हमको 6 फीट या 2 गज की दूरी तो हमको रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा भारी वायरस है। जैसे ही कोई भी स्नीज करता है या करता है, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके ऊपर वायरस है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो 1.5 गज तक ही जा पाएगा। तो हम अगर 2 गज की दूरी बना के रखेंगे तो डेफिनेटली हम बच सकते हैं, ये स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन आज हम, क्योंकि हम थक चुके हैं, 1 साल 1.25 साल हो गया है, तो हम लोग अब ये इन सबको सिर्फ एक जुमला रह गया है, 2 गज दूरी है जरूरी, बट ये अभी भी लाइफ लाइन है। अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो अभी जो रैम्पेज, यानी कि जो इतना ज्यादा जो इन्फेक्शन है, उसको हम रोक सकते हैं। और ये क्योंकि ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, वो ज्यादा दूर नहीं जाता है, बस हमको ये खास। और अगर स्पेशली अगर इस पे हम मास्क, क्योंकि मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी वापस करंट टाइम में हम वापस इसके आउटब्रेक, यानी कि सेकेंड वेव, और ये सेकेंड वेव काफी भयंकर रूप से और कुछ सीवियर वायरस के थ्रू आ रही है। और मेरा आपसे अपील है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है वो अपने आप को इससे सेफ ना माने, क्योंकि अभी डिफरेंट म्यूटेंट आ गए हैं, यानी कि ये वायरस जो जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है या पास्ट में जिनको इन्फेक्शन हो गया है उसमें भी लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये उन लोगों की इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से अपील है, 2 गज दूरी है जरूरी पे बिल्कुल फोकस करें, बार बार हाथ धोएं, है ना, और जो भी सरफेस है, क्योंकि सरफेस पे पड़ा है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, तो हाथ अगर सरफेस पे लगता है तो अपने मुंह पे ना लेके जाएं और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि ये इसके सिम्टम्स है, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, फटीक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को बुखार आता है, खांसी होती है, गले खराब होता है, और थकान इतनी होती है कि पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन वर्क भी नहीं कर पाता है। और अगर ये लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स इन्वॉल्व होने के बाद सांस का चलना भी होता है। एटलीस्ट 14 दिन तक उस पेशेंट को अगर ये सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट करके ट्रीटमेंट चालू करा करके दूसरों से संपर्क में आने से बचना चाहिए। इस तरह से हम दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं और इसको फैलने से रोक सकते हैं। और अभी का जो म्यूटेंट है, मैं एक खास बात इसमें बताना चाहता हूं कि में खांसी और बुखार आ ही नहीं रहा है, इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, सीधा लंग्स में जा रहा है, उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, और लंग्स के अंदर अगर हम सीटी स्कैन के थ्रू देखते हैं तो कोविड स्कोर, सीटी सीवियरिटी स्कोर मॉडरेट टू सीवियर में जा रहा है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में एक बात मैं जरूर एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि आप पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखें,
सबके पास होना चाहिए और अपने पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू देखते रहें कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। फीवर कफ हो सकता है कोई सिम्टम ना हो, लेकिन हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और अपना बराबर ऑक्सीमीटर चेक करें। अगर ये कम आता है तो अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी मिले। नेक्स्ट, ये प्रिवेंशन के जो हम पिछले 1.5 साल से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इंफेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने में, मास्क का यूज करें और अपने हाथ धोते रहें बार बार। अगेन मैं इस पे एम्फेसाइज करूंगा। नेक्स्ट, अब मैं जो मेरा फोकस है आज का टॉपिक कि पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस ये क्या होता है। पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस जैसे कि जैसे हमको चोट लग जाती है कहीं पर बाहर शरीर पे और वो हील होता है, तो हील होता है तो साथ में उसका हीलिंग का निशान छोड़ जाता है। उसी तरह से जो कोविड पेशेंट है, जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है, उनके लंग्स में अगर एक बार वायरस चला गया है तो वो वायरस उनको उनके लंग्स पे घाव करता है और वो घाव हमारा बॉडी अपने इम्यून सिस्टम से धीरे धीरे उसको हील करता है। जैसे 14 दिन पूरा हो गया इन्फेक्शन के बाद, धीरे धीरे पेशेंट रिकवर करता है, दवाइयां भी वो लेता है, रिकवर करता है, और रिकवरी के बाद आपका कोविड चला गया लेकिन वो जो घाव छोड़ गया वो हीलिंग के बाद परमानेंट उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। और वो फाइब्रोसिस कितने लोगों में, हमने ये देखा है स्टडीज के अंदर, ये पाया है कि जो कोविड 19 के जो पेशेंट है, जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है, 40% पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि उसके लंग्स में बहुत ज्यादा घाव हो जाते हैं, और उसमें से जो 20% पेशेंट हैं एआरडीएस के वो सीवियर केस होते हैं और उनमें फाइब्रोसिस डेवलप होता है। अगर हम एक अनुमान के हिसाब से रफली बोले तो हर 3 में से एक आदमी जो जो सीवियर या मॉडरेट कोविड पेशेंट है वो रिकवर करने के बाद पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस के साथ आज जूझ रहा है। नेक्स्ट, मैं आपको सीटी स्कैन के थ्रू थोड़ा बताता हूं कि ये कैसा दिखता है और उसके बाद कैसा होता है। अगर आप ये देखेंगे नॉर्मल लंग, यानी मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं, आपके अपने लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक है बीच में व्हाइट है वो हार्ट है और बाकी ये जो पूरा एरिया है वो लंग है, वो हेल्दी लंग है। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप राइट साइड में देखेंगे अपने अपने राइट साइड में, जो ये व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है ये सारा, ये घाव है, ये इन्फ्लेमेशन है कोविड के कारण, जो लंग और कोविड के बीच में या जो हमारे जो इम्यून सिस्टम से जो जो केमिकल्स निकलते हैं वो हमारे लंग्स को इस तरह से डैमेज करते हैं। और ये जैसे जैसे रिकवरी करते हैं ये फाइब्रोसिस, यानी कि ये जिस तरह से अंगूर से सिकुड़ करके किशमिश बनती है उसी तरीके से लंग सिकुड़ जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है। और ऐसा फाइब्रोसिस लंग की वजह से जो ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन जो है जो हम लेते हैं वो क्रॉस नहीं हो पाती। ये जो ऑक्सीजन जो श्वास नलियों से हमारे छोटे छोटे गुब्बारे हमारा लंग जिनसे बना हुआ है उनसे जो ऑक्सीजन है वो क्रॉस होके हमारी छोटी छोटी कैपिलरी जो इन गुब्बारों के आसपास रहती है उन तक वो क्रॉस नहीं हो पाती ड्यू टू द फाइब्रोसिस। इसी को हम फाइब्रोटिक लंग बोलते हैं, यानी कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। नेक्स्ट, हाँ, अब इसके साइन ऐसे पहचाने कि किसी पेशेंट को पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हो गया है। सपोज एक पेशेंट आया, मॉडरेट केस हुआ, एडमिट हुआ, उसको सारा रेमडेसिविर और जो भी ट्रीटमेंट है, खून को पतला करने की दवाएं और जो एंटीवायरल जो जैसे रेमडेसिविर और स्टीरॉयड यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन या इस तरह की जो भी दवाएं हैं वो दे दी गई हैं और उससे वो रिकवर करके और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके वो घर जा रहा है। घर जाने के बाद भी कई पेशेंट ड्यूरिंग दी हॉस्पिटलाइजेशन समटाइम उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लंबी रहती है। कई लोग जैसे 15-15 लीटर इनिशियली आते हैं तो उस पे रहते हैं, कई बार NIV यानी कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ती है और वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करके लास्ट में कई पेशेंट 2 या 3 या 4 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लेकर के अपने घर जाते हैं। हम पेशेंट्स को उनको ऑक्सीजन पे घर भेजते हैं, कई लोग पूरा रिकवर करते हैं, कुछ लोगों को उनमें से कुछ लोग जो है वो ऑक्सीजन पे। और हमने ये पाया है कि हर 3 में से एक जो सीवियर पेशेंट है, हर तीसरा सीवियर पेशेंट उसमें से एक सीवियर पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और वो जब घर पे चला गया, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो उसको किस तरह से सिम्टम आते हैं, वो थोड़ा सा भी एग्जर्शन करता है तो जैसे
बाथरूम में गया या अपने नहाने धोने का काम किया या अपना रूटीन वर्क थोड़ा सा भी करता है, उसको एक तो सांस फूलती है और जल्दी से थक जाता है, उसकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और कई लोगों को जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, इसको इस तरह से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम इसको कैसे पहचानते हैं। अब ऐसे के ऐसे पेशेंट में यूजुअली हम क्या करते हैं कि पेशेंट को घर भेज दिया, 14 दिन हो गए उसके, और उसको ऑक्सीजन पे भेजा और कुछ दवाइयां जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी और इवन कई केसेस में हम लोग एंटी फाइब्रोटिक ड्रग भी देते हैं। आजकल स्टडीज आ गई हैं कि एंटी फाइब्रोटिक का बहुत अच्छा रोल है। मैं सिंपली नाम ले रहा हूं पर आपके लिए जरूरी नहीं है, एंटी फाइब्रोटिक जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए, पिरफिनेडॉन और निंटेडेनिप करके जो दो दवाएं हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि ये बहुत अच्छा काम करती हैं उन लोगों में जिनको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास सार्स जो पहले कोविड की वजह से जो इन्फेक्शन है, हमारा अभी नॉलेज नया है इसके बारे में, अभी हमको डाउन द लेन 3-4 साल के बाद में फाइब्रोसिस कितना रहता है, नहीं रहता है, कितना ठीक होता है, ये सब अभी रिसर्च के पॉइंट है। लेकिन हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, सार्स जो पहले फैला था, मर्स और सार्स, वो कोविड की वजह से फैले थे, ये बहुत पहले 10-15-20 साल पहले हुए थे, तो उनका एक्सपीरियंस है कि जो लोग इनसे हुए थे उनमें भी इस तरह का पोस्ट जो कोविड फाइब्रोसिस हुआ था वो भी कोविड थे, बट दिस इज अ न्यू कोविड, ये कोविड 2 है, तो उसकी वजह से जो फाइब्रोसिस हुआ था, तो उनकी स्टडीज हमारे पास अवेलेबल है, 18 से 20 साल की स्टडी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो फाइब्रोसिस काफी हद तक ठीक हुआ है। और मैं बस उन पेशेंट्स को और मैं आपके माध्यम से उन सबको ये कहना चाहता हूँ, आप में आए उनको आप विश्वास दिलाएं कि ये फाइब्रोसिस भी काफी हद तक ठीक हो सकता है, आप समय पे अपने डॉक्टर की सलाह लें। और वो डॉक्टर किस तरह से इसका प्रोसेस करेगा, तो सिटी स्कैन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनिशियली डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, फिर कुछ समय बाद जैसे कुछ हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग 1 महीने बाद फिर सिटी स्कैन कराते हैं, फिर 3 महीने बाद फिर सिटी स्कैन कराते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, राइट। और इसके बाद हम लोग क्योंकि फाइब्रोसिस है लंग का तो उसकी वजह से हार्ट पे भी लोड आता है, तो हम वो इको भी करवाते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, डीएलसीओ, जो मैं कह रहा था कि जो ऑक्सीजन है वो क्रॉस नहीं होता है, तो वो डीएलसीओ के थ्रू हम देखते हैं कि कितना क्रॉस नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन लंग कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके जरिए हम डायग्नोसिस करते हैं और पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये पल्स ऑक्सीमीटर हम आज सब जानते हैं, इसमें दो पैरामीटर अगर हम ध्यान से देखेंगे, SpO2 लिखा हुआ है ऊपर, वो आपके ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है, और दूसरा जो है पल्स रेट है, ये आज की वक्त में सबके पास होना चाहिए, और इवन एक टेस्ट हर आदमी करके देखे, अगर उसको लगता है कि भाई मेरे को इन्फेक्शन आया है तो 6 मिनट वॉक टेस्ट की मेरा फेफड़ा कितना इन्वॉल्व है उसके लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट है, उसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें आपको पहले उंगली में ये लगा करके अपना SpO2 और पल्स अपनी नोट कर लेनी है, अपने घड़ी को चालू करके 6 मिनट आपका अलार्म लगाइए और वॉक करिए, जितना आप तसल्ली से और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना वॉक कर सकते हैं, और 6 मिनट बाद वापस अपना SpO2 और पल्स रेट अपना देखें, अगर ये 3 से 4% 5% का डिप होता है SpO2 में तो डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को मिलें। और दूसरा, जिनको कोविड हो चुका है और रिकवर कर गए तो भी अपना रिकवरी को वो मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 6 मिनट वॉक टेस्ट, वो अपने उंगली में इसको लगाए और उसको सप्ताह में एटलीस्ट 2 या 3 बार इसको अपने को चेक करें कि पहले से कितनी इंप्रूवमेंट आया है। दूसरा, इसमें हम लोग 6 मिनट में हम कितना चले, कितना मीटर चले, अगर उसको भी अगर आप कैलकुलेट कर पाए, एक एक फिक्स्ड एरिया में आपने कैलकुलेट कर लिया कि इतना मीटर ये है, तो अगर आप उसको चेक कर पाए कि जैसे मैं 200 मीटर पहले 6 मिनट में चल रहा था, अब मैं 300 मीटर चल रहा हूं, तो डेफिनेटली देयर इज इंप्रूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टूल है टू एसेस द लंग्स का हेल्थ चेक करने का। नेक्स्ट, तो आपको क्या करना है, अब तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट
आपके अपने डॉक्टर को, ऐसा नहीं है कि आप कोविड से नेगेटिव आ गए और आप अपने छोड़ दिया, आप अपने डॉक्टर को सलाह नहीं ले रहे, नहीं, कोविड जितना डेंजरस है उससे कई गुना ज्यादा पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस डेंजरस है, जो लाइफ आपको लाइफ लॉन्ग मॉर्बिड बना देगा, आपको हैम्पर, आपकी लाइफ को हैम्पर कर देगा अगर आप अपने डॉक्टर से बराबर सलाह लेंगे, बराबर ट्रीटमेंट लेंगे, कब कौन सा क्या डिसीजन लेना अपने डॉक्टर को सलाह के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस की समस्या से निकल सकते हैं। अपने मेडिसिन को टाइम पर लें, डॉक्टर को डिसाइडेड टाइम पर आप उनसे फिक्स करके मिलें, और अपने को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि आप अपने स्ट्रेस से बचें, क्योंकि सबको पता है कि स्ट्रेस से इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होते ही, क्योंकि ये सारा खेल इम्यूनिटी का है, अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता ड्रग नहीं है, लेकिन जितना अपने आपको आप स्ट्रेस फ्री रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो उतना ही आप कैपेबल होंगे इस वायरस से लड़ने में। तो अपनी इम्यूनिटी को और अपने को शांत, अपने को रिलैक्स रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ सकते हैं, ऐसे लोग इवन 80-80 साल के बुजुर्ग मेरे एक्सपीरियंस में वो फुल्ली रिकवर होके गए, तो फर्क, और 20-25 साल का जो लड़का है या लोग हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? स्ट्रेस। जो मेरा पर्सनल व्यू है वो स्ट्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो डिफरेंस पैदा करता है। इम्यूनिटी तो उसकी और अच्छी होनी चाहिए थी, जबकि वो रिकवर नहीं कर पाया, और ओल्ड पर्सन जो सोच नहीं रहा है कुछ भी, जो स्ट्रेस में नहीं है, वो रिकवर कर रहे हैं विद ऑल कोमॉर्बिडिटीज। दैट इज माय एक्सपीरियंस। तो मैं आप सब लोगों, आप लोगों के माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट, अपने खाने पीने का बैलेंस डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम रखें, क्योंकि कोविड डायबिटिक भी कर रहा है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी उन लोगों को डायबिटीज आ रही है, रिसेंट ऑनसेट एकदम नई डायबिटीज, और कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज को और बढ़ाता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोविड में जो हमारे पास अभी जो ड्रग अवेलेबल है वो ड्रग है स्टीरॉयड, जो काम करती है। स्टीरॉयड इटसेल्फ कैन कॉज इंक्रीज ब्लड शुगर। तो आपसे अनुरोध है कि कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लें, प्रोटीन डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, और पानी खूब पिए। अगर आपने देखा होगा नए फीचर्स, अगर हम बात करें कोविड के, उसमें हेडेक बहुत हो रहा है, बॉडी एक बहुत हो रहा है, खांसी कम है और फीवर नहीं आ रहा, लेकिन ये है। और दूसरे जो सिम्टम है, मैं इसके साथ ही आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं जिसके बारे में आप अवेयर भी हैं, गला खराब होता है, साथ में टेस्ट और स्मेल चला जाता है। और आज जो हम लोग इस सेकेंड वेव में जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बच्चे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें डायरिया और पेन एब्डोमेन कॉमन है। तो आप सबसे अनुरोध है कि उस वक्त पानी की सफिशियंट अमाउंट आपको लेना है। हेडेक है तो भी, बॉडी एक है तब भी, क्योंकि ये इस तरह से क्योंकि फीवर अपने आप में बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, तो आप सफिशियंट अमाउंट में पानी लें, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है जिनमें पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है, अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तय करें, कितना मुझे क्या कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करनी है, वो अपने डॉक्टर जो रिहैबिलिटेशन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे मिलकर के आप अपने डॉक्टर से अनुरोध करिए, और उसके शेड्यूल के साथ आप अपना काम करें, तो डेफिनेटली यू विल रिकवर कंप्लीटली। दैट इज माय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, अब आप अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस है तो ये सेशन ओपन है फॉर क्वेश्चंस। और या राजा लाल जी, आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस मुझे दे दीजिए। सर पहला क्वेश्चन है, रजनी जी का जो चैट में आया हुआ है सर, वो है व्हाट आर द न्यू सिम्टम्स ऑफ कोविड 19। आई मीन ये शायद वो पूछ रहे हैं कि नया जो वेरिएंट आया है उसके कोई सिम्टम्स क्या हैं। बिल्कुल रजनी जी, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी खांसी और बुखार और फीवर और खांसी कम है, तो जिन लोगों को फीवर नहीं है वो ये ना समझे कि हमको इन्फेक्शन नहीं है। इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट बताया था कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखना है, अगर बॉडी एक भी है या आपको और कोई सिम्टम है जैसे जुकाम भी है और अचानक अभी शुरू हुआ है इस करंट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं।
ये नए सिम्टम है, डायरिया हो सकता है, उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक बहुत ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे नए वेरिएंट के सिम्टम है। डायरेक्ट लोग लैंड कर रहे हैं आईसीयू में, अभी सीवियर पेशेंट, क्योंकि लोग बुखार आता नहीं है तो लोग समझते हैं कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो ऐसे पेशेंट डायरेक्टली जब उनको लंग्स पे चला जाता है सीवियर हो जाते हैं या मॉडरेट हो जाते हैं, उनका ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है, तब वो हॉस्पिटल जाते हैं और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको हमको आईसीयू सपोर्ट देना पड़ता है। तो आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड इज स्प्रेड वाया स्ट्रीट फूड। रवि अजमेर से पूछ रहे हैं सर कि स्ट्रीट फूड से भी ये कोविड बढ़ सकता है क्या, फैल सकता है क्या? देखिए फूड से ऐसा इतना नहीं चांस है उसको फैलने का, बट लेकिन स्ट्रीट फूड के बारे में अगर आप ध्यान देंगे कि अगर कोई जो वेंडर है, अगर उस वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, अगर आप उसके पास जाते हैं और उसने मास्क ढंग से नहीं लगा रखा है, और उसके आसपास हमको देखने में आता है कि जो स्ट्रीट फूड है वहां पर लोगों की, आज क्योंकि हम इतने ईज पे चले गए हैं कि हम एक ठेले वाले के पास आप देखेंगे बहुत भीड़ होती है, उसमें से अगर एक पेशेंट भी अगर पॉजिटिव है, एक भी पेशेंट है, और अगर वो स्प्रेड करता है, एसिम्टोमेटिक है, तो उसके आसपास, क्योंकि स्ट्रीट फूड खाने के लिए मास्क हटाएंगे और 2 गज तो होता नहीं है वहां दूरी, तो डेफिनेटली देर इज चांसेस कि वहां से स्प्रेड हो सकता है, खाने से स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम है। और दूसरा, अगर वो वेंडर अपने हाथ इधर उधर लगा करके आपको उसमें, जैसे किसी भी प्लेट में या आपको उस कागज की प्लेट में या किसी में भी अगर वो वेंडर आपको देता है स्ट्रीट फूड, तो और आपने वो हाथ वहां लगाया क्योंकि आपने मास्क हटा रखा है, और वो अपना हाथ उसको उससे कॉन्टेक्ट होके नाक पे लगाया, मुंह पे लगाया, तो डेफिनेटली ये फैलता है। अगर ये नहीं करेंगे तो स्ट्रीट फूड से फैलने की संभावना कम है। सर एक कॉमन क्वेश्चन है जो सबका होगा जी, ये माया भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि ये जो कोविड की वजह से जो टेस्ट लेस होना या स्मेल खत्म हो जाती है, कब तक रहता है, और कफ, तीन चीजें हैं, ये कब तक खत्म हो जाएगी? बहुत बहुत बढ़िया माया जी, मैं खुद अपने इस जो अभी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस में मैंने ये दिखाया, ये कि ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने दिन बाद आएगा, ये हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग टाइमिंग्स हैं। किसी किसी को मैंने ये देखा है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट कितना जल्दी चालू किया है। और मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगा, फर्स्ट वीक है वो वायरस का टाइम है, और अगर आपने जैसे ही आपको इन्फेक्शन पता चला, आपने टेस्ट कराया पॉजिटिव आया, आपका लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, तो आपने अगर टेस्ट कराया वो पॉजिटिव आया और आपने तुरंत अगर एंटीवायरल चालू की, एंटीवायरल दो तरह की अवेलेबल है हमारे पास, एक तो ओरल एंटीवायरल जिसको हम सब जानते हैं आजकल फेविपिरावीर, और दूसरी इंजेक्टेबल। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा स्कोर आप सीटी स्कैन कराते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग इतने सजग हो गए कि हम तुरंत सीटी स्कैन भी कराते हैं, अगर स्कोर ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और आपका लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है, स्मेल लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली आप मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में जा रहे हैं, आपको रिकवरी के चांसेस लेट है और वो टेस्ट और स्मेल थोड़ा लेट आएगा। और दूसरा जो है, अगर आपने एंटीवायरल जल्दी स्टार्ट किया तो वायरल लोड का, तो आपको ये सिम्टम से निजात। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है, ऑलरेडी क्या माइल्ड केसेस ही, मोस्ट लाइकली ये माइल्ड केसेस होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है किसी को 3-5 दिन में आ जाती है, किसी को एट द मैक्स मैंने ये देखा है 8-10 दिन में आ जाती है, पर कुछ केसेस हैं जिनको 15-20 दिन भी लग सकते हैं। पर आप लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल से आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये तो आना ही है, वो आएगा, उसकी चिंता ना करें, बस आप अपने ऑक्सीजन पे फोकस करें। सर इनका सेम क्वेश्चन है कि सीटी स्कैन कितनी बार करानी है इसके बाद? हर एक डॉक्टर का और हर एक पेशेंट, ये क्या टेलर मेड अप्रोच है हर एक डॉक्टर की। मैं पर्सनली मैं इसमें बिलीव करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस तरह से करता हूँ कि जब पेशेंट अगर इन्फेक्ट हो गया, उसका डे ऑफ सिम्टम, जस्ट सपोज मान लो कि आज वो इन्फेक्ट हुआ, लेकिन उसने टेस्ट 2 दिन घर बैठे टेस्ट करा रहा है, 4th दिन उसके टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है, और रिपोर्ट आ रही है, और साथ में अगर उसने अपना ध्यान रखा और ऑक्सीजन की मात्रा चेक करता रहा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा 98 बनी हुई है और उसको सिम्टम नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं,
और उसका SpO2 98 मेंटेन कर रहा है, तो मैं उनको सिटी स्कैन नहीं कराता हूं। अगर पॉजिटिव क्लियर कट है तो हम लोग, मेरा अप्रोच है कि हम उसको सिटी स्कैन 8-10 दिन भी हम नहीं कराते, लेकिन डेफिनेटली उसका एक बार सिटी स्कैन जरूर होना चाहिए। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमको ये पता चले कि कहीं वो पेशेंट फ्यूचर में पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस से तो नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इनिशियल 5 दिन में सिटी स्कैन अगर आप कराते हो तो कई बार आपको सिटी सिवियरिटी आपको नहीं मिलेगा, इवन थोड़ा सा भी, इवन 1 या 2 का स्कोर भी कई बार नहीं मिलता, नॉर्मल सिटी आता है, और इनिशियल 5 दिन में ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 का स्कोर होता है। लेकिन इसी जगह पर अगर आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एकदम से बड़ी है, 98 से आपने देखा अपने पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 92 पे लैंड कर रहा है, आपके फीचर्स आपके सिम्टम्स सीवियर हैं, और साथ में हम लोग मार्कर ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसको हम बायो मार्कर फॉर COVID-19 बोलते हैं, उसमें CRP, सीरम फेरेटिन, IL-6, डी डाइमर और CBC के अंदर लिम्फोसाइट काउंट अगर कम है तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर, ये कुछ मार्कर्स है जो हमको आइडिया देते हैं कि ये पेशेंट कब माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर में जा सकता है। इवन SpO2 चार्टिंग में 98% आ रहा है तब भी ये बायोमार्कर उससे काफी पहले उस पेशेंट के बारे में बता देते हैं कि वो उसमें लैंड अप करेगा। और जो आपका क्वेश्चन है कि कितना कराना चाहिए, अगर सीवियर पेशेंट है हमने 3-4 दिन भी हम करा सकते हैं, और उसके मॉनिटरिंग के हो रहा है तो और 5-7 दिन बाद वापस करा सकते हैं कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है कि और डिटेरियरेट कर रहा है। जस्ट सपोज अगर आपने भी देखा होगा 5 का स्कोर है लेकिन 5 दिन बाद ही उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 15-15 लीटर पहुंच रही है, तो हम ऐसे पेशेंट में देखते हैं कि वो कितना रियली कितना डिटेरियरेट हुआ है, और हमको रियल में जरूरत होती है तो हम रिपीट CT कराते हैं। कई बार वो 5 वाला स्कोर वाला 15-15, 20-20 स्कोर पे भी लैंड करता है, और एक तीसरा सिटी स्कैन जब अगर बीच वाला सिटी स्कैन हम एस्केप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर मान लीजिए कोई इनिशियली 10 के स्कोर पे आया है और ट्रीटमेंट के बाद नेगेटिव होकर घर पे गया है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है और धीरे धीरे वो ऑक्सीजन भी उसकी चली गई है, तो हम ऐसे पेशेंट को 1 महीने बाद फिर सिटी स्कैन और जरूरत पड़ने पर उसको 3-4 महीने बाद फिर सिटी स्कैन की वो कितना रेजिडुअल रह गया है उसको हम देख सकते हैं। तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमको 1 बार कराना है या 2 बार कराना है या 3 बार, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पेशेंट हम सिटी स्कैन कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, मुझे भी बहुत आज लगा कि ये चीजें क्या है, 3 CT scan, 2 CT scan, बट इट इज वेरी गुड। आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। सर जुनेद आलम जी पूछ रहे हैं ये जो फाइब्रोसिस होता है ये परमानेंट है या क्योर हो जाएगा, कंप्लीट क्योर है या रहेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए देखिए जुनेद जी आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है उसके बारे में हमारा अभी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो हम अभी 1.5 साल के आसपास ही हम इस डिजीज के साथ दो हाथ कर रहे हैं। बराबर, जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट है उनके जो फाइब्रोसिस है उनपे अभी रिसर्च चल रही है, हमको ये पता नहीं है कि ये पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस कंप्लीट ठीक होता है कि नहीं स्टिल, क्योंकि हमारी जो, जैसा मैंने आपको बताया, पास्ट हमारा जो एक्सपीरियंस है जो कोविड की वजह से जो दो डिजीज हुई है 15-20 साल और 30 साल पहले, मर्स जिसका आपने शायद सुना हो, मर्स डिजीज और एक सार्स डिजीज, तो उसमें भी इसी तरह से लंग इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें हमारे पास 20 साल की स्टडी अवेलेबल है, उसमें ये देखा गया है कि 90% लोगों का जो फाइब्रोसिस है कंप्लीट ठीक हो गया है। तो हम उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, उन डेटा के आधार पर आज हम ये कह पा रहे हैं कि अभी तो हम 1-1.5 साल हुआ है लेकिन 3 साल उन सबके फाइब्रोसिस को जाने में एटलीस्ट 3 साल लगे थे, तो हम अगर उसको ही बेस बना करके अगर आज बात करते हैं तो इसकी पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस को जाने में, जिनके फाइब्रोसिस को उनको जाने में 3 साल, एटलीस्ट पूरी तरह जाने में 3 साल लग सकते हैं। लेकिन काफी लोगों का मैंने ये देखा है, आज जो हमारे पास, उस वक्त वो एंटी फाइब्रोटिक ड्रग अवेलेबल नहीं थी, आज हमारे पास अच्छी एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स अवेलेबल है, अगर हम उन एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स को समय रहते जल्दी से एंटीसिपेट करके कि ये पेशेंट फाइब्रोसिस में लैंड कर सकता है, और अगर हम जल्दी से दे एंटी फाइब्रोटिक ड्रग, तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो फाइब्रोसिस है विदिन 1 मंथ, इवन मेरे पास सीरीज है ऐसे पेशेंट की जो 1 मंथ 1.5 मंथ में फाइब्रोसिस काफी हद तक ठीक हो चुका है। उम्मीद है सर, हाँ, आपने उनका जो दूसरा क्वेश्चन साथ साथ उन्होंने पूछा है,
उसका क्वेश्चन आंसर आपने इसी में दे दिया। उनका क्वेश्चन है कि फाइब्रोसिस की मेडिसिन कितने मंथ तक लेनी होगी। सो पेशेंट इज ऑन परफ्यूम एक्स, तो वो तो आपके डॉक्टर को अगर आप दिखाते रहेंगे तो वो बता देंगे आपको कितने दिन और लेनी है। हर एक को अलग अलग समय पे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने 2 से 3 महीने एंटीफाइब्रोटिक ड्रग दिया है, और 3 महीने बाद जैसा मैंने आपको बताया सीटी स्कैन हम लोग कराते हैं, एक बार फर्स्ट टाइम कराया तो 10 का स्कोर हुआ, फिर डायरेक्ट हम 3 महीने बाद कराते हैं। 3 महीने बाद मैंने दिखा है इन दोनों में जो डिफरेंस है, फाइब्रोसिस वाला पेशेंट बिल्कुल ही कंप्लीटली रिकवर्ड हो गया है। और अगर दूसरे पैरामीटर भी है जैसे 6 मिनट वॉक टेस्ट है, बायोमार्कर्स हैं, तो ये सब भी हम और अर्ली अगर देख करके, हम अगर पेशेंट एकदम ठीक है उसको सिम्टम भी नहीं है, तो हम और अर्ली इसको बंद कर सकते हैं। सर, इन्हीं का एक क्वेश्चन है कि इनके घर में अभी भी कोई पेशेंट है, बट उनका क्या है, पॉजिटिव पेशेंट की सारी रिपोर्ट ठीक है लेकिन डब्ल्यू जी वैसी बिलो बॉर्डर है, तो क्या जी इनको डॉक्टर से वापस मिलना है या ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा? देखिए, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो साइटोकाइन स्टॉर्म को इंडिकेट करती है, और जब ये सीवियर केस रहे होंगे तो ये डब्ल्यूबीसी काउंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिम्फोसाइट काउंट। लिम्फोसाइट काउंट अगर आपके 18 से कम है, स्पेशली 10 से कम है, तो ये सीरियस कंडीशन होती है, और उस पे वॉच रखना बहुत जरूरी है। अगर सपोज स्टिल पेशेंट पॉजिटिव है, तो अगर पेशेंट 14 दिन बाद भी पॉजिटिव है तो हमको उससे कोई इशू नहीं है, हमको परेशान नहीं होना है, थोड़ा केयर करें डेफिनेटली, लेकिन वो अपने आप ही वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है कि जो इनका जो जब हम जो कोविड टेस्ट कराते हैं उसके अंदर भी एक सीटी स्कोर आता है, अगर वो 30 के ऊपर है तो वो पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव है, उस पेशेंट को के साथ हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और उनका एक क्वेश्चन था डब्ल्यूबीसी अगर कम है कंटिन्यूअसली तो क्या करें, तो आप अपने डॉक्टर के साथ आप बराबर रहें और फ्रिक्वेंट ड्यूरेशन पे आप अपने डब्ल्यूबीसी को चेक कराएं, वो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी को इंडिकेट करता है, उनका बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, रिहेबिलिटेशन, उनको मेंटली सपोर्ट करें, ये सारी चीजें धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है। सर, मैं भी थैंक यू बोल रहा हूँ, जुनेद जी भी थैंक यू बोल रहे हैं, ही इज़ ग्रेटफुल फॉर यू। कमला जी आपसे क्वेश्चन पूछ रही हैं सर, कि कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लगवाना चाहिए क्या? बिल्कुल कमला जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों के मन में ये चीजें चल रही हैं। पहली बात तो वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, वो डरे हुए, क्योंकि अभी काफी लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। और इसमें मैं स्पेशली एक बात बोलूंगा कि जब तक 2 डोज और उसके बाद का 15 दिन का जब तक कंप्लीट नहीं होता, आपको बहुत केयर करने की जरूरत है। हम लोग क्या एक जस्ट आज लगा वैक्सीन डोज और हम फ्री हो जाते हैं, एक माइंड सेटअप हो जाता है कि नहीं अब मुझे वैक्सीन लग गया है, नहीं, 2 वैक्सीन जो आजकल तो 6 वीक के बाद हो गया है कि दूसरा डोज लगाएं, और उसके 15 दिन बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तो वेरिएंट आ गए हैं, कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जो जो वैक्सीन के बाद में, वैक्सीन के साथ में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है, उसको भी बाईपास कर रहे हैं। तो आपको पूरी केयर तो हमेशा करनी है, 2 गज दूरी, आपको मास्क पहनना, अभी भी हमारा जो सुरक्षा कवच है वो मास्क ही है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी, अपना मास्क, 2 गज दूरी, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, और उसको अपने को ध्यान रखना है। अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जिनका कोविड हो चुका है उससे जो रिकवर हो गए हैं उनको क्या वैक्सीन लगानी चाहिए। हम आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे देख रहे हैं कि एक एक आपका वैक्सीन लग गया 1 डोज, और उसके बाद आपको कोविड हो गया, और कोविड होने के बाद में आप लोग सोच रहे हैं कि क्या हम कोविड का दूसरा डोज लें, और लें तो कब लें। तो इसमें यह है कि अगर आपको 1 डोज आपको लग गया, कोविड हो गया है, और कोविड के बाद में आप एटलीस्ट 4 वीक्स का आप गैप दें उसको, और या फिर आपको कोविड हो गया है एटलीस्ट फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में 6 वीक आपको गैप देना है। मान लीजिए आपने वैक्सीन लगाया और आपका अभी ड्यू हो रहा है, आपका 5 वीक हो गया है और अब कोविड हो गया है, तो भी अब आपको जो इंफेक्शन के 4 वीक आपको वेट करना है, तो वो थैंक यू वेरी, वैक्सीन। या यस सर, थैंक यू। प्रियांशु जी जयपुर से पूछ रहे हैं सर कि व्हाट इज वायरल लोड, वो वायरल लोड समझना चाह रहे हैं क्या है, और वो बोलते हैं कुछ पेशेंट का इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज है बट वो भी रिकवर हो गए हैं, तो वायरल लोड से संबंधित कुछ क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि सब लोगों का अपना इम्यूनिटी है, और सबका केवल एक फैक्टर नहीं है। हम अभी बहुत सारी चीजें कोविड के बारे में नहीं जानते हैं, अभी भी वो रिसर्च में है कि भाई कोई तो कोमोर्बिड कंडीशंस, मोर देन 60 विथ मल्टीपल कोमोर्बिडिटी विथ वायरल बिग वायरल लोड, दे आर रिकवरिंग,
और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें वायरल लोड कम है बट और कोई कोमोर्बिडिटी भी नहीं है, यानी कि कोई उनको एसोसिएटेड डिजीज भी नहीं है, जैसे बीपी, शुगर या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट भी नहीं है, और यंग भी है तब भी वो लोग चले जाते हैं। तो अभी भी हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बट लेकिन जो पता है उनमें ये पता है कि जब किसी पेशेंट का अगर वायरल लोड ज्यादा है, और वायरल लोड हम देते हैं तो जो जब हम आरटीपीसीआर करते हैं तो हम उस जब हम सैंपल लेते हैं उस सैंपल को जब लगाते हैं तो उसका एम्प्लीफिकेशन कराते हैं, उसमें हम रेप्लिकेशन देखते हैं, एक वायरस को हम बार बार उसको रेप्लीकेट उस लेवल तक करते कि वो हमको दिखने लगे। सपोज एक वायरस एक सैंपल हमने लगाया और उसमें हमको 10 की साइकिल चली और हमको वायरस दिख गया, उसमें विजिबल हो गया, क्योंकि उसका जेनेटिक लेकर के वो करते ना, तो अगर उसमें हमको मिल गया तो इसका मतलब उसका वायरल लोड ज्यादा है। और किसी को उसको बोलते हैं सिटी स्कोर, मतलब सिटी स्कोर यानी 10 उसका सिटी स्कोर है। और अगर सपोज मान लीजिए कि किसी का 20 के बाद वायरस दिख रहा है, यानी कि वायरस बहुत कम है, उसको ज्यादा बार रेप्लीकेट करना पड़ रहा है, तो यानी कि उसका वायरल लोड कम है। और डेफिनेटली हमारी स्टडी में ये देखा, और 30 के बाद तो नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। और मान लीजिए किसी को कोमोर्बिड है, 60 साल के ऊपर है, तो डेफिनेटली उनके लिए चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। अभी भी स्टडी के अंदर हमने बहुत क्लियर कट दिखा है कि ऐसे पेशेंट्स माइल्ड डिजीज से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर में जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि वायरल लोड इज जस्ट नॉट ए सिंगल क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। पेशेंट पूछ रहा है कि 3 स्टंट हैं, हार्ट में 3 स्टंट लगे हुए हैं कोविड के लिए, क्या उनको कोविड वैक्सीन ले सकते हैं क्या? एज है 56 इयर्स। बराबर, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों में मेरे पास कंटिन्यूस कॉल आते हैं कि सर मेरे को अस्थमा है, मेरे को एलर्जी है। पहले बीच में एक बार चला था कि जिनको एलर्जी है वो वैक्सीन ना लें, लेकिन वो एलर्जी की जो बात बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि भाई जिन लोगों को जो वैक्सीन के अंदर जो कंपोनेंट है उनसे अगर एलर्जी है, लाइक अगर एग से एलर्जी है या किसी और तरह की फूड एलर्जी है, तो उनको सोचना है, ना कि एलर्जिक पेशेंट जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, या किसी भी तरह का अस्थमा इज ऑल्सो वन ऑफ द एलर्जिक कंडीशन। तो ऐसे लोगों को तो और कंपल्सरीली उनको वैक्सीन लेना चाहिए। और इन्होंने बात की कि 2 स्टेंट या 3 स्टेंट जो लगे हुए हैं जो कोमोर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट है, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे हाइपरटेंसिव हो, चाहे वो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग पे हो, या किसी पे या और कोई कोमोर्बिडिटी हो, तो डेफिनेटली उनको वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर उनका इम्यूनिटी अच्छा नहीं हुआ तो उनको चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू जिनका इम्यूनिटी अच्छा है। और एक बात मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा, जो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग पे है वो थोड़ा सा कॉशियसली वैक्सीन को लें, अपने वैक्सीन लगवाने के बाद वो अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक क्वेश्चन है, वैक्सीन लगवाने के बाद हाथ में पेन हो रहा है, विनोद जी पूछ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद हाथ में पेन हो रहा है, क्या करें? ये पेन बहुत कॉमन है, हमने भी सहा है, आप भी सही है। क्योंकि अगर ये पेन हो रहा है, रादर इवन मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये पेन हो रहा है और अगर साथ में अगर फीवर आता है तो देयर इज अ गुड न्यूज। हमने ये पाया है अभी कि वैक्सीन लगने के बाद जिन लोगों को सिम्टम आए, जैसे किसी किसी को फीवर रहता है 2-3 दिन तक, और ऐसे पेशेंट घबरा जाते हैं कि अरे यार ये वैक्सीन लगा लिया, अब वैक्सीन लगाने के बाद कहीं मेरे को कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद एज इट इज जो कोविड में सिम्टम आते हैं वैसे ही सिम्टम कई लोगों को आते, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों से अपील करता हूं, आप बिल्कुल ना घबराएं, और ये इसका मतलब है कि वो वैक्सीन उन पे बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका हमने ये देखा है एंटीबॉडी जो टाइटर है उनका काफी अच्छा आता है। तो आपको बताइए वो आपके हाथ में पेन हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। सर जैसे बोल रहे मार्केट में 2 वैक्सीन है जी, कौन सी लगवानी चाहिए? ये भी थोड़ा ट्रिकी है बात। देखिए मैं आपको बताऊंगा दोनों वैक्सीन में क्या डिफरेंस है, वैसे मैं ओपनली नहीं हम बोल सकते लेकिन दोनों मैं आपको क्लियर कट ये बोल सकता हूँ कि दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में अगर मैं बात करूं, पहली बात तो आपको कोई भी अगर वैक्सीन मिलता है तो आप इंतजार मत करिए कि ये जब वैक्सीन आएगा तब लगवाऊंगा, राइट? किसी किसी जगह क्योंकि गवर्नमेंट इतने बड़े पॉपुलेशन पे एक तरह का वैक्सीन नहीं अवेलेबल करा सकती, और अभी बहुत सारे वैक्सीन अंडर रिसर्च चल रहे हैं, हो सकता है कि अभी कुछ ऐसे वैक्सीन भी आए जो इनसे भी बेटर हो,
राइट उनकी इफेक्टिविटी और अच्छी हो, बट वी कैनॉट वेट, क्योंकि इतने में तो अगर ये हर्ड वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी अगर हम डेवलप कर लेते हैं, स्प्रेड नहीं होगा तो म्यूटेंट भी नहीं आएंगे हमारे पास। तो मेरा अपील ये है कि जो भी वैक्सीन आपको मिल रहा है आप उसको लगवाएं। पर दोनों में डिफरेंस मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड में क्या है, जो स्पाइक प्रोटीन है यानी कि जो जो वायरस है उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइक है और उनको लेकर के उनकी एंटीजन, क्योंकि ये एंटीजन है उसके खिलाफ उन्होंने वो लेकर के उन्होंने बॉडी में इंजेक्ट किया है और उसके खिलाफ हमारी शरीर एंटीबॉडी बनाता है। और दूसरा जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में इन्होंने क्या किया है कि जो वायरस पूरा का पूरा वायरस लिया है, केवल एक स्पाइक प्रोटीन नहीं लिया है, तो उसको वायरस को डीनेचर्ड करके यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करके उसकी जो एक्टिविटी को समाप्त करके और उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है। और उससे हो क्या रहा है कि जो कोवैक्सीन है उसके अंदर सारे के सारे एंटीजन अवेलेबल हैं। तो उसका मुझे मेरे पर्सनल लेवल पे जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कि उसके खिलाफ डिफरेंट काइंड की एंटीबॉडीज बनती है। और ये भी पाया गया कि जो कोवैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज बनी है वो हमको जो वेरियंट आए जो यूके वेरियंट है या अफ्रीकन वेरियंट है उससे भी बचाव कर रहे हैं। तो ये स्टडी में कोविशील्ड के बारे में मुझे ये पता नहीं है, मेरा अंदाजा है कि शायद वो इतना बचाव ना कर पाए लेकिन ये कोवैक्सीन जरूर बचाव करेगा। थैंक यू सो मच सर। विनोद जी भी थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड है आपके दोनों क्वेश्चन आंसर्स के लिए। थैंक यू बट आपका जो तीन मैसेज है सर, जस्ट आई वांट टू रिपीट एंड करेक्ट्स टू फॉर सबके लिए सर। सर बोल रहे हैं कि सबको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको आपको यूज करना है। एंड थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने डॉक्टर के पास कंटिन्यूअस विजिट करनी है जब तक आपको सिम्टम्स हो या आप किसी भी तरह की दवाई हो, इसमें अपनी मर्जी से कुछ ना करें। कृपा करके आप चले जाइए और सर भी अवेलेबल है अगर कोई जाके वहाँ पे, बिकॉज मेडिकल कॉलेज ऑलवेज ए टर्सरी केयर सेंटर, तो वहाँ पे भी जाके आप अपना ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मोहित अरोड़ा जी का, वो पूछते हैं कि बच्चों में वैक्सीन के इस बार जो कोविड है उसके चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या एज ग्रुप कोई डिसाइड है कि इस ग्रुप तक होगा या बहुत छोटे बच्चों को भी हो सकता है? नहीं, ये बहुत छोटे बच्चों को भी हो रहा है। इवन मेरी लाइफ में भी मैंने देखा है कि काफी छोटे बच्चे, इवन 7 मंथ के, मेरे खुद के फैमिली में 7 मंथ के जो बच्चा उसको भी पॉजिटिव आया है। और डेफिनेटली ये जो है जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज्यादा है, जो जो टीनेज है उनमें कम है, लेकिन टीनेज लोगों में भी अभी देखने काफी लोगों को देखने को मिला है। और इसमें मेनली एब्डोमिनल पेन और डायरिया देखने को मिला है। अभी क्या है कि हम इतने थक गए हैं, बच्चों को भी आप कितना घर में रोकेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बच्चों को आप घर में नहीं रोक पा रहे हैं और वो लोग जैसे अपने कंपाउंड में खेल रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और मान लो कि वो कहीं से इन्फेक्शन और उनको कई बच्चे तो एसिम्प्टोमेटिक है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो रिकवर करते हैं। वही बच्चे जब इन्फेक्ट होकर के अपने घर में आ रहे हैं, अगर उन घरों में ओल्ड लोग हैं तो डेफिनेटली उन लोगों तक ये इन्फेक्शन इस तरीके से फैल रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। थैंक यू वेरी मच सर। बच्चों के लिए स्पेशली आपने जो गाइडलाइन दी है, एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड, बच्चों में एक और प्रॉब्लम है कि वो मास्क भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं लगा सकते और आप ज्यादा उनको कह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, मतलब डेफिनेटली अभी हम जो समय जो हम निकाल रहे हैं वो सबकी फ्रीडम खाने वाला है और बहुत चैलेंजिंग टाइम है, तो डेफिनेटली बच्चों के साथ तो ये बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं सर, आपका साथ रहेगा तो रिकवरी फास्ट हो जाएगी, आप रहेंगे साथ में। हम सब लोग साथ में और सब लोग मिलके चैलेंज डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वापस नॉर्मल टाइम तो आएगा ही आएगा। यस सर। सो सर अभी बाकी कोई क्वेश्चन है नहीं, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर मयंक से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर देयर ऑन सिस्टम गिव ए टोकन ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर गौरव छावड़ा, देन आई विल क्लोज। थैंक यू सो मच डॉक्टर छावड़ा सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, इट वॉज इंडीड अ वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी यू नो इनसाइटफुल, यू नो इवन यू हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस ऑल्सो।
वेरी डिटेल्ड यू नो एनालिसिस यू हैव शेयर विद अस एंड बहुत ही इफेक्टिव हमने आज डिस्कशन किया. और जो एक्चुअली हमारे जो जो भ्रांतियां हैं स्पेशली कोविड के रिगार्डिंग इवन वैक्सीन के रिगार्डिंग जो कि आपने हमें डिटेल में बताया, हमें भी बहुत ज़्यादा जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये पता लगा. तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आप हमारे पास हमारे लिए समय निकाला और आपने ये हमारे को डिटेल में बताया. इसके अलावा हम आपको राजाराम सर को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पूरा टीम को कनेक्ट करने में हमारा सहयोग किया. डॉक्टर छाबड़ा सर को भी हमारे को कनेक्ट करने में सहयोग किया तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे नवीन थिंक इंडिया फाउंडेशन की टीम की तरफ से मिस्टर लोकेश शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये पेशेंट एजुकेशन ड्राइव को इन्होंने इनिशिएट किया. और हमारे सभी सपोर्टिंग पार्टनर्स को भी धन्यवाद जो कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन के अलावा हमारा प्रोत्साहन भी किया. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एक बार फिर से. सबसे पहले जो हमारा एक आज का जो हमारा टेक होम है वो ये है कि स्टे हेल्दी, वेयर ऑलवेज मास्क, इवन यू आर वैक्सीनेटेड ऑल्सो प्लीज डू नॉट रिमूव योर मास्क, ऑलवेज वेयर मास्क. मेरे ख्याल से मास्क ही एक ऐसी चीज है जो कि वैक्सीनेशन के ऊपर की सील है जो कि हमेशा रहेगी, हमें समझना पड़ेगा ये. थैंक यू सो मच सर, वंदे मातरम. थैंक यू, मैं आपके बिहाफ पे सब व्यूअर्स को और थैंक यू बोल रहा हूँ उनकी पेशेंस लिसनिंग के लिए. आपकी लिसनिंग में मैं अपना ये सब शेयर अपना नॉलेज शेयर कर पाया. थैंक यू वेरी मच. और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हम सब मिलकर इसको कोरोना को हराएंगे. दैट इज डेफिनेट. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.